कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के जो बचे हुए टॉपिक थे उनको कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते इसमें पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरते हैं वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारा क्रिस्टल है, सपोज कीजिए ये हमारे मार्कर दिया गया है, इस मार्कर में जितने परमाणु हैं वो इस क्रिस्टल के कितने भाग को घेरे हुए हैं वही उसका क्या कहलाता है, हमारा संकुलन क्षमता, मतलब कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कितना उसको पैक किए हैं। तो संकुलन क्षमता जो होती है, संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में कणों या गोलों का आयतन कि उसमें कितने कण हैं बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यानी कुल आयतन में कितने कण उसमें उपस्थित हैं। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में कणों का गोलों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन बड़े 100। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का कितना भाग घेरे हुए हैं भाई उसका क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम लोग, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे संकुलन क्षमता। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, अगर हम इसको नोट कर लिया होगा, अगर हम FCC यानी फलक केंद्रित फलक केंद्र में संकुलन क्षमता फलक केंद्रित में संकुलन क्षमता ज्ञात करना है, इसमें कितने परमाणु कितनी प्रतिशतता में उपस्थित रहेंगे। तो देखिए हम लोगों को अच्छे से बताएं फलक केंद्रित संकुलन क्षमता में कि जो फलक केंद्रित क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जालक होता है, उसमें जो कण होते हैं वो हमारे कोणों के साथ साथ, ये जो कोने दिए हुए 8 कोने, कोणों के साथ साथ हर एक फलक को उपस्थित होते हैं और फलक कितने होते हैं 6। अगर उसमें हम परमाणु की बात करेंगे तो हमें अच्छे से बताओ उसमें परमाणु कितने उपस्थित रहते हैं, 8 कोणों पर रहते हैं, तो हमें पता है एक कोने का जो भाग होता है एक क्रिस्टल पर वो कितना होता है 1/2, और कितने हैं उसमें कोने 8/8, और हमें पता है फलक पर कितने 6 फलक है मतलब 6, और एक फलक के कण का जो यूनिट सेल पर भाग होता है एक पुस्तक पर भाग होता है वो कितना होता है 1/2। जब सोल्व करोगे इसको कितना आएगा 1, ये आएगा 2 × 3 = 6, यानी 1 और 3 × 3 = 3, तो कितना आएगा 4, यानी उसमें 4 यानी 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो फलक केंद्र दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है कि जो ये जो कण दिए गए हैं ये कण इस क्रिस्टल को कितना ऑक्यूपाई किए हैं, कितना संकुलित किए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको क्लियर किया, ए ये हो गया, बी और ये हो गया सी। यहाँ पे फलक केंद्र की बात करना है तो यहाँ पे एक फलक के हमें कण का लेना है, ये ABC ये हो गया फलक केंद्र। अब हम लोगों को अच्छे से पता है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि अगर परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है R, और परमाणु की जो किनारे होती हैं उसको कहते हैं हम क्या, A, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो दी गई है ये दी गई है ये क्या है A है हमारी, ये जो दी गई है क्या है A भी है, है ना। हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, परमाणु जैसे ये परमाणु दिया गया है, ये परमाणु दिया गया है, एक हमारा ये बीच में ये परमाणु दिया गया है, एक परमाणु हमारा ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए है वो तो हमारे बी और सी हो गया हमारा, ये यहाँ पे जो ए से बी है वो बी हो गया। अब ये अगर परमाणु ये दिया गया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी,
और ये किनारे की जो लंबाई है किनारे के लाती उसकी जिसको एज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोण ए बी सी में क्या होगा हमारा, ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, इसे हमें ए सी निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमें पता है कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है ए सी, तो क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ये दिया गया है, क्या है हमारा लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बीसी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, हमें पता है ए बी क्या है हमारा, ए बी ये क्या दी गई है उसकी किनारा दिया गया है ए, ए का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी भी क्या है हमारा ए है तो ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ए सी स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ए सी बराबर क्या होगा रूट टू ए स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं ए रूट टू, तो इसका जो आया वो कितना आया ए रूट टू। अब हम लोगों को एक चीज अच्छे से पता है कि जो ए सी है ए सी में कितने आ रहे हैं हमारे, एक ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या हो गया, एक यहाँ से एक त्रिज्या ये हो गई इसकी, एक त्रिज्या यहाँ से ये दे दी एक त्रिज्या ये, तो मतलब जो ए सी है ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, जो ए सी है ए सी को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए सी बराबर, ए सी बराबर कितने आर हो जाएंगे वन टू थ्री फोर, यानी फोर आर हो सकता है कि नहीं ए सी बराबर फोर आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए सी की वैल्यू रखेंगे, ए सी बराबर कितना दिया गया, ए सी बराबर हमारा दिया गया है फोर आर, मतलब फोर आर बराबर ये कितना है ए, इस पे निकालेंगे ए की वैल्यू तो ए बराबर कितना आ सकता है, ए बराबर आएगा हमारा ये आ जाएगा, इसको सही भेज देंगे ये आएगा फोर आर अपॉन टू, मतलब ए का मान आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ए पता चल गया हमें ए क्या है ये पता चल गया, अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है भाई संकुलन क्षमता का, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता क्षमता संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है कि क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु की संख्या, हमें पता है परमाणु की संख्या कितनी है चार गुणे, और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू, और बटे बटे क्या होता है संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन, संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन मतलब ए क्यू, ए क्यू सॉल्व करोगे इसको। अब हम अगर प्रतिशत निकालेंगे तो इनको क्या आएगा हंड्रेड संकुलन क्षमता प्रतिशत का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा चार चौक सोलह बटी तीन पाई आर क्यू, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ए की वैल्यू यहाँ पर रखी है फोर आर अपॉन रूट टू का क्या है टू इंटू कितना है सॉल्व करोगे ये आएगा सोलह अपॉन थ्री पाई आर क्यू, इसको करोगे चार चौक सोलह चौक चौंसठ सिक्सटी फोर आर क्यू अपॉन, इसको करोगे कितना लिख सकते हो रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तीन बार है तो रूट टू मतलब टू, टू रूट टू हो जाएगा, और जब हम इसको टोटली पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 74% इसमें क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकलन क्षमता होती है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें 74% एफसीसी में फलक केंद्रित में संकुलन जो क्षमता होती है जो कण होते हैं उनके इस क्रिस्टल में उपस्थित वो हमारे 24% इस क्रिस्टल को क्या कर रहते हैं ऑक्यूपाई कर रहते हैं घेरे हुए होते हैं, मतलब इसमें कितना स्पेस रहता है इसमें स्पेस हमारा कितना हो जाएगा 26 स्पेस रह जाएगा रिक्ति रह जाएगी हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 74 तो उसने कणों ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया घेरा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या होगी इसकी हमारी संकुलन क्षमता निकलेगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।